आठ शानदार कुकिंग टिप्स जिसने याद कर लिए फिर उससे बड़ा कोई शेफ नहीं। स्मार्ट किचन टिप्स नंबर वन, अगर प्याज जल्दी भूननी हो तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे, इससे प्याज जल्दी ही सुनहरा हो जाता है। नंबर टू, ठंड के दिनों में दही जमाना काफ़ी कठिन होता है, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ जिससे ठंड के दिनों में सिर्फ 2 से 3 घंटे में गाढ़ी दही जम कर तैयार हो जाएगी। उसके लिए आप दूध गुनगुना गर्म करके दही का जामन डाल दे, उसे मिक्स कर ले। अब आप एक कुकर ले, उसमें पानी गर्म होने को रखे। जब पानी उबल जाए दही की कटोरी पानी के अंदर डाल दे और कुकर का ढक्कन लगा कर बंद कर दे। नंबर थ्री, अगर आपका पनीर सॉफ्ट स्पॉन्जी नहीं है तो इसे उबले पानी में 10 मिनट के लिए डाल कर रखे। पनीर बिल्कुल सॉफ्ट और कोई भी सब्जी में डालने को तैयार हो जाता है। नंबर फोर, रोटी के बर्तन में अगर अदरक का एक टुकड़ा रखने से रोटी नरम और ताजी रहती है। नंबर फाइव, मिक्सर जार में महीने में एक बार नमक डालकर चला ले, मिक्सर का ब्लेंड तेज हो जाता है। नंबर सिक्स, करेले की करवाहट दूर करने के लिए काटने के बाद इसमें नमक और हल्दी मिलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दे, या फिर आप कटे करेले को छाछ में आधे घंटे के लिए डुबो कर रख दिए, इससे वो स्वाद में बिल्कुल कड़वे नहीं लगते। नंबर सेवन, चटनी का रंग हरा बनाए रखने के लिए पीसते वक्त आइस क्यूब की 2-3 बूंद डाल दे, इससे वो काला नहीं होता। नंबर एट, पूरी या पकौड़े तलते वक्त तेल में चुटकी भर नमक डाल दे, इससे पकौड़े पूरी कम तेल सूखेंगे और तेल की बचत के साथ आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे वीडियो के कॉमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।